राजस्थान ललित कला अकादमी में परफॉर्मेंस आर्ट पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। आर्ट लेबोरेटरी और ललित कला अकादमी के सहयोग से आयोजित सर्चिंग द वूम प्रदर्शनी में पहले ही दिन कलाकार डॉ. कृष्णा महावर, राजेंद्र प्रसाद मीणा और सूरज सोनी ने लाइव परफॉर्मेंस दिया। प्रदर्शनी की परिकल्पना कार और आरयू के फाइन आर्ट विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कृष्णा महावर ने बताया कि प्रदर्शनी में भारत के प्रसिद्ध परफॉर्मेंस कलाकार इंदर सलीम के परफॉर्मेंस फोटो के साथ 9 कलाकारों की ओर से सर्चिंग द वूम विषय परफॉर्मेंस फोटो और साथ में उससे संबंधित ऑडियो हेडफोन को प्रदर्शित किया गया। ये जो एग्जीबिशन का परफॉर्मेंस है इसमें दिल्ली से लेकर राजस्थान तक के कलाकारों का कार्य प्रदर्शित हुआ है और इसमें एक नया तरह का अनुभव दर्शकों को देखने को मिला है। दृश्य कला में एक नया माध्यम जिसमें बॉडी ही उनका कैनवस के रूप में काम करती है, क्योंकि कैनवस एक पुरानी विधा में आ गया है, वो एक परंपरागत माध्यम है। अब अपरंपरागत माध्यमों का, डिजिटल मीडिया का, न्यू मीडिया का आर्टिस्ट यूज़ कर रहा है अपने काम में, दर्शकों को जोड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का काम बहुत हो रहा है, परंतु राजस्थान में इस तरह का काम अभी नई शुरुआत है एक राजस्थान के लिए। एग्जीबिशन कॉन्सेप्चुअल आर्ट पर आधारित है और इस एग्जीबिशन में 9 कलाकार हैं जो कि देश के और विदेशी कलाकार भी हैं। और हम लोगों ने इस एग्जीबिशन के लिए कुछ समय पहले ओपन कॉल किए थे तो हमें एंट्रीज मिली थी। हमने एक थीम रखा था सर्चिंग द वॉर्म, तो उस एंट्रीज में से हमने 9 कलाकार सेलेक्ट किए और हमारे जो प्रदर्शनी है स्पेशली फोटोग्राफ्स पर आधारित है और उन्होंने इसके ऊपर परफॉर्मेंस किया, परफॉर्मेंस का फिर फोटो डॉक्यूमेंटेशन किया और फिर हमें भेजा और उसके हमने प्रिंट निकाल के इसे एग्जीबिशन में लगाया है।